हेलो गाइस, इट्स मैक्स। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है चिपटॉनिक्स की तरफ से आने वाला उनका गेमिंग कैबिनेट चिपटॉनिक्स कोबरा। चिपटॉनिक्स कोबरा इज़ ए मिड टावर कैबिनेट। ये कैबिनेट EATX से लेके आपके माइक्रो ATX तक सारे फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो आप इसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई सा भी मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कैबिनेट में आप 160 mm तक का CPU कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस कैबिनेट में आपको 3 हार्ड ड्राइव केज मिलते हैं और 3 आपको SSD माउंट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपको इसके साथ RGB कंट्रोलर मिलता है। इट सपोर्ट अप टू 10 RGB फैंस। अगर आप किसी डस्टी एरिया में रहते हैं जहाँ पर धूल वूल ज़्यादा रहती है, तो आप इस केस को लेने से पहले 2-3 बार सोच लेना, क्योंकि इसका जो फ्रंट में मैश आता है वो आपको बार बार क्लीन करने की हेडेक हो सकती है। द सिंपल वे टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम इज टू गेट अ एयर ब्लोअर। अगर आपके पास एक पावरफुल एयर ब्लोअर है तो आपको डस्ट क्लीन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं अपना चेस्टन का एयर ब्लोअर यूज़ करता हूँ। इस केस में आपको एयर फ्लो के मामले में किसी तरह की शिकायत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको फ्रंट में टेम्परेचर ग्लास तो मिलता है, पर आपको लेफ्ट और राइट साइड में ही फ्रंट में ही आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। बहुत ज़्यादा कैविटी है आपकी एयर फ्लो इनटेक के लिए, तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है फ्रंट से इनटेक करने के लिए, तो एयर फ्लो इस केस का बहुत सही बना रहता है। फ्रंट पैनल कनेक्टिविटी के लिए आपको एक हेडफोन जैक, माइक का जैक, 2 USB 2.0 पावर बटन, USB 3.0, एक RGB कंट्रोलर और एक रीसेट बटन मिलता है। बाकी कैबिनेट में कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको रीसेट का बटन बहुत छोटा मिलता है, तो आपको दबाने में बहुत दिक्कत होती है। वो उस तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। आपको रीसेट बटन भी अच्छा खासा बड़ा मिलता है, तो रीस्टार्ट का बटन दबाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस के रेंज में आने वाले दूसरे कैबिनेट से थोड़ी कम है। थोड़ा सा फ्लिमजी है ये। अगर इसका आप ऊपर से टॉप पे अगर मैश को थोड़ा प्रेस करके देखेंगे तो थोड़ा फ्लेक्स दिखता है आपको। द मेन USB ऑफ दिस कैबिनेट इज़ इट्स लुक्स एंड इट्स RGB। इस प्राइस के रेंज में आपको जितने भी कैबिनेट्स मिलते हैं उनमें आपको RGB फैंस तो मिलते हैं, लेकिन उनमें आपको इफ़ेक्ट्स की कमी हो जाती है कि आपको अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते उसमें जो आपको प्री इंस्टॉल्ड 2-4 मदरबोर्ड के साथ जो इफेक्ट्स मिलते हैं वही आपको यूज़ कर। बट इन दिस केस यू विल गेट ओवर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ RGB इफेक्ट्स विद इट्स रिमोट। हाँ, और अगर आप इसके फ्रंट मैश को हटा के आप डायरेक्ट टेम्पर्ड ग्लास लगा के इसे यूज़ करना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली इस लगाने में, लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे तो फ्रंट पे जो फैंस है इसके इनटेक के लिए, तो इनटेक करने वाले जो फैंस हैं उन पर डस्ट बहुत जल्दी जमेगी, जो कि बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर किसी डस्ट एरिया में रहते हैं या फिर आप इसे फ़िल्टर के बिना यूज़ करना चाहते हैं, तो क्योंकि फ़िल्टर के बिना इसकी RGB और अच्छी दिखती है, पर अगर से बिना मैश के यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक एयर ब्लोअर ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसकी फैंस की प्लेट्स पे डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाता है और आपको इवन हर वीक इसकी सफाई करने की दिक्कत हो सकती है। तो फाइनल कंक्लूजन पर आपको आते हुए मैं यही कहूँगा कि इट्स ए गुड लुकिंग कैबिनेट, जो आपको अच्छा खासा एयर फ्लो दे देता है, अच्छी खासी लुक्स दे देता है। बट एक ही चीज़ में ये लैक करता है इसकी बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि आपको जो ऊपर की तरफ आपका मेटल है, मेटल आप जब प्रेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्स देखने को मिलता है, तो पर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इवेंचुअली ये आपके डेस्क पे ही रखा रहेगा। इफ़ यू प्रेफर द बेटर बिल्ड क्वालिटी ओवर द लुक्स, तो आपको ये कैबिनेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको उतनी टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती है जो आपको कूलर मास्टर और या फिर डीप कूल्स की तरफ से आने वाले अलग अलग कंपनियों से मिलती है। पर मैं अभी भी यही कहूँगा, लुक्स के मामले में इसके रेंज में आने वाले दूसरे जो कैबिनेट्स आते हैं उन सबको ये पीछे छोड़ देता है। इसकी लुक ही इसकी मेन USB है। आई ऑल्सो चूज दिस कैबिनेट बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स एंड इट्स एस्थेटिक। सो इफ़ यू वॉन्ट द ब्यूटिफुल लुकिंग कैबिनेट यू कैन बाय दिस कैबिनेट। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।